अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं सी टेक। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अलफता गुजरांवाला पर मौजूद हूँ और आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बच्चों की एक मिनी जीप की वीडियो है। और ये है बच्चों की, लेकिन बच्चों में जो अच्छी क्वालिटी की जो जीप्स आती हैं ना, उनमें से ये एक है जिसमें काफ़ी हमें अच्छे फीचर्स मिलते हैं और काफ़ी पावरफुल है ये और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी क्वालिटी, इसके फीचर्स और इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करूंगा, अगर चैनल अपनी हो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ये जो बच्चों की जो जीप है उसकी फ़र्स्ट लुक। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है किड्स के लिए क्योंकि इसमें काफ़ी हमें अच्छे फीचर्स मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर एक जीप है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आती है। और आपको इसके फीचर्स वगैरह के बारे में साथ साथ बताऊँगा और साथ साथ आपको इसकी 360 लुक प्रोवाइड करूँगा। आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पे हमें दो लाइट्स मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, ब्राइट लाइट्स हैं। और इसके अलावा नीचे वाली तरफ आप देख सकते हैं इसका जो आप कह सकते हैं प्रोटेक्टर टाइप लगाया गया है, प्रोटेक्टर जिस तरह पाइप्स होते हैं उस तरह का इसका फ्रंट पर लगाया गया है। और इसके अलावा ये इसकी ग्रिल टाइप की लुक दी गई है जो कि हॉनीकॉम डिज़ाइन में है। और इसके अलावा ऊपर वाली तरफ की अगर बात कर लें तो ऊपर वाली तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ग्रिल टाइप मिलती है जो कि प्लास्टिक की बनाई गई है, टोटली प्लास्टिक है। और इसके अलावा इसका जो बोनट है वो रेड कलर में आता है जो कि प्लास्टिक का है और काफ़ी अच्छी किस्म का टोटल इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पर ये लाइट्स बनाई गई हैं। और इसके अलावा ओवरऑल आप इसके जो फ्रंट लुक है वो देख सकते हैं, इसके जो टायर्स हैं वो प्लास्टिक के हैं बट अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है और टायर्स का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसके टायर्स हैं उसमें हमें ब्लैक और रेड कलर यूज़ किया गया है, मतलब इसमें ब्लैक और रेड कलर हमें देखने को मिलता है। और आप डिज़ाइन देख सकते हैं इसके टायर्स का और साइज़ देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ में ये जो टायर्स हैं वो आते हैं। और ये आप डोर्स देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लॉक भी लगता है। ये आप देख सकते हैं अंदर इसको बंद करके, दूसरे वाला वो ज़रा बंद करके दिखाएं, बंद करके तो इसको लॉक भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें और जो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और अंदर वाली तरफ से आप देख सकते हैं ये मैट फिनिश में आता है और बाहर वाली तरफ से शाइनी इसकी जो फिनिशिंग है वो की गई है और स्टिकिंग वगैरह की गई है। और बैक साइड पे हमें मैट ब्लैक कलर में प्लास्टिक मिलता है। और ये है ओवरऑल इसकी साइड प्रोफाइल। और अगर बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं इसके ऊपर लाइट्स हमें मिलती हैं जो कि एलईडी लाइट्स हैं, क्योंकि ये बैटरी पे चलती है तो डेफ़िनेटली जो लाइट्स हैं वो भी एलईडी होंगी, हैलोजन का यूज़ नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी। और काफ़ी स्पोर्टी लुक पीछे से बनाई गई है और जिस तरह ऑफ रोडिंग के लिए कार्स वगैरह आती हैं उस तरह की इसकी लुक है। तो साइड प्रोफाइल डेफ़िनेटली दूसरी जो साइड है वैसे ही होगी। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग बनाया गया है जो कि डी शेप में आता है और बड़ी गाड़ियों की तरह। तो ये वाला जो इसका बटन है ये एज अ हॉर्न यूज़ होगा। और इसके अलावा यहाँ से इसमें जो म्यूज़िक के मोड्स हैं वो हम देख सकते हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इसका एक डिस्प्ले टाइप बनाया गया है। ये तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसका मल्टीमीडिया पैनल है, डिजिटल ऑडियो प्लेयर। और यहाँ पे भाई से पूछते हैं क्या फीचर्स हैं, भाई बताइएगा। इसमें यह है कि इसमें जो है ना म्यूज़िक है एक तो जो इसमें सेव्ड है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप ब्लूटूथ के जरिए कोई भी सॉन्ग वगैरह लगा सकते हैं, वो बाइक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें यूएसबी सपोर्टेड है, आप यूएसबी लगा कर कोई भी सॉन्ग वगैरह इसमें लगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसमें यूएसबी पोर्ट की भी ऑप्शन अवेलेबल है और इसके अलावा इसमें माइक की भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप माइक लगा के तो इसमें कुछ भी जो बच्चे वगैरह बोल सकते हैं। और ये इसमें चार्जिंग इंडिकेटर है, इसकी जो बैटरी वगैरह हाई लो मीडियम वगैरह के बारे में बताया गया और इसमें कुछ बटन अवेलेबल हैं। तो ये है इसका मल्टीमीडिया सारा सिस्टम। और इसके अलावा नीचे वाली तरफ आप देख सकते हैं इसकी जो रेस है एक्सेलरेशन वो मौजूद है। और इसको जब पुश करेंगे बच्चे तो ये एक्सेलरेट होगी और जैसे ही हम इसके ऊपर से पाँव उठाएंगे तो ये साथ ही जो ब्रेक है वो अप्लाई कर देगी, मतलब इसमें ब्रेक नहीं है, ऑटो ब्रेक फीचर है इसमें। और इसके साथ हमें एक रिमोट कंट्रोलर भी मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और ये इसका रिमोट कंट्रोलर है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर हम बच्चे को बिठा के अगर उसको चलानी नहीं भी आती स्टार्टिंग से तो हम उसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बैक साइड पे इसका मॉडल नंबर मैंशन है, JR1602FCC इसका मॉडल नंबर है। और रिमोट मैं आपको दिखा देता हूँ फीचर्स, ये है फॉरवर्ड, ये है बैकवर्ड और इसके अलावा ये लेफ़्ट राइट। और इसके अलावा ये एस आप देख सकते हैं ये स्पीड के लिए है और ये जो पी वाला बटन है ना ये इसके रिमोट की एडजस्टमेंट वगैरह के लिए यूज़ होता है एक्चुअली।
और इसके अलावा अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर बच्चा बैठ के ड्राइव कर लेता है तो उसके लिए यहाँ पे ये है पावर वाला बटन, ठीक है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो इसकी लाइट्स वगैरह सभी ऑन हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे दो मोड्स मिलते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें एक ये है कि अगर हम मोशन मोड पे हैं तो तब ये आप कह लें गेयर्स हैं, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें ये चीज़ होगी, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अभी आगे हुई है और ये न्यूट्रल है और ये जो बैकवर्ड है ये आप देख सकते हैं। तो ये इसको ऑफ़ कर देते हैं। अब ये जो चीज़ है ये देखें, ये बच्चों के लिए ये ऐसे ही आगे पीछे जो इसकी मोशन है वो होती रहेगी। तो ये इसमें से ये इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे जी। तो अब आपको इसकी जो सीट है वो मैं दिखाता हूँ। ये प्लास्टिक में आती है और प्लास्टिक जो मैट प्लास्टिक है, और भाई कह रहे थे कि इसके ऊपर एक अगर हेल्दी बच्चा है तो वही बैठेगा, और अगर जो बच्चे थोड़े वीक हैं मतलब नॉर्मल वेट के हैं तो वो दो भी बैठ सकते हैं। और चार्जिंग पोर्ट जो है ना इसकी, वो इसके अंदर है, ये आप देख सकते हैं, आपको उसके नीचे चार्जिंग पोर्ट नज़र आ रही होगी। तो भाई से टाइमिंग पूछते हैं, भाई बताइएगा ज़रा इसकी टाइमिंग के बारे में। सर इसकी टाइमिंग है, अगर फर्स्ट टाइम इसको टाइम चार्ज करना है तो 3 से तकरीबन 3 घंटे इसकी चार्जिंग टाइमिंग है, ठीक है, मतलब पहली दफ़ा जब चार्ज करना है 3 घंटे तकरीबन, ठीक है, 3 घंटे। उसके बाद इसको यूज़ करें और बैटरी इसकी लो हो तो 2 से 2.5 घंटे इसकी जो टाइमिंग हो जाती है, मतलब रेगुलर बाद में 2 से 2.5 घंटे में। तो एक दफ़ा फुल चार्ज में कितना टाइम निकालती है ये? 1 घंटा 1.25 घंटा निकाल जाती है लगातार चलने पर, 1.25 घंटा, ठीक है। जो तो फ्रेंड्स आपने देखा कि फुल चार्ज होने में तकरीबन इसको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे भाई कह रहे हैं, तो उसके बाद तकरीबन 1.25 घंटा ही निकाल जाएगी। तो आपने देखा काफ़ी अच्छी किस्म की, अगर आपने बच्चों के लिए परचेज़ करनी हो तो यहाँ पे अल्फता पे ये अवेलेबल है। और इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको बता दूँ, 65,900 रुपीज़, मतलब तकरीबन 66,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है इस वक्त। और ये इम्पोर्टेड आइटम है और इसकी कोई वारंटी वगैरह नहीं है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। तो क्योंकि ये टॉयज़ कैटेगरी में आ जाती है तो टॉयज़ की कोई वारंटी नहीं होती, और पीछे भी इसकी लाइट्स हैं, ऊपर भी नीचे भी काफ़ी खूबसूरत है। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।